आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पहाड़ दरक गया है। दरअसल जिला सिरमौर में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन से कई मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहे हैं। मंगलवार सुबह भी करीब 8:30 बजे से 9 बजे के करीब नाहन श्रेणी काजी हरिपुर धार मार्ग पर ददाहू से 1 किलोमीटर आगे भूस्खलन से पूरी तरह बंद हो गया था। वहीं सोमवार से भी यहां पर हल्का भूस्खलन हो रहा था और बारिश की वजह से पहाड़ के पत्थर भी गिर रहे थे। मंगलवार सुबह जैसे ही मशीन इस जगह भूस्खलन पर मलबा साफ कर रही थी, तभी अचानक से भूस्खलन से पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया और श्रीरेणी काजी हरिपुर धार मार्ग बाधित हो गया। वहीं लोक निर्माण विभाग संघार मंडल के अधिशासी अभियंता रतन शर्मा ने बताया कि सोमवार से ही हल्का भूस्खलन हो रहा था, जिसे देखते हुए वहां पर जेसीबी मशीन तैनात की गई थी। जो पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे उन्हें रोड से हटाया जा रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास भारी भूस्खलन से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है और अभी भी हल्का भूस्खलन हो रहा है। साथ ही भूस्खलन बंद होते ही सड़क को फिर से बहाल करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने वेब ब्राउजिंग ऐप जियो पेज में एक नया फीचर जोड़ दिया है। जी हाँ, जिसका नाम स्टडी मोड है। इस फीचर को खास तौर पर छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इस फीचर के एक्टिव होने के बाद छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे और उनका ध्यान भी नहीं भटकेगा। कंपनी का मानना है कि स्टडी मोड यूजर्स के बहुत काम आने वाला है और जियो का नया फीचर स्टडी मोड अपने यूजर को क्लास के हिसाब से कंटेंट भी उपलब्ध कराता है। साथ ही इसमें यूजर्स को सब्जेक्ट के लिए अनुसार वीडियो चैनल का सुझाव भी मिलता है और यूजर्स इन चैनल को अपने पसंदीदा कैटेगरी में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा बता दें, एजुकेशन वेबसाइट से लिंक दिए जाते हैं ताकि यूजर्स सीधा उन वेबसाइट पर जाकर और गूगल पर सर्च करने में उनका समय खराब ना हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस जियो ने पिछले साल अक्टूबर में ब्राउजिंग ऐप जियो पेजेस को लॉन्च किया था। जियो पेज की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म काफी सुरक्षित है और ये 8 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है और यूजर्स जियो पेज वेब ब्राउजर में गूगल, विंग, एमएसएन और डक डक गो सर्च इंजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें, यूजर्स को इस वेब ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट के लिंक सेव करने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही इससे यूजर्स आसानी से उस वेबसाइट को भी अपने डिवाइस पर तेजी से ओपन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल कितनी करवटें बदलेंगे, इस पर तो कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसने वाले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मंगलवार को बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर जाकर भेंट की। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को सुबह बीजेपी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनके आवास पर जाकर भेंट की और ऐसे में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। बता दें, उत्तर प्रदेश में ओबीसी की पार्टी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने वाले राजभर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के आवास पर करीब 1 घंटे तक रहे और भागीदारी मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से इतनी लंबी भेंट के बाद लखनऊ में खलबली मच गई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं से चर्चा के बाद राजभर ने मीडिया से कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। मुंबई के जिस चर्चित की तफ्तीश पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और सीनियर पुलिस अधिकारियों के इर्द गिर्द चल रही थी, उसमें जांच की सुई अब अंडरवर्ल्ड की तरफ भी घूम गई है। दरअसल वसूली कांड में अब दाऊद इब्राहिम का एंगल भी जुड़ गया है और मुंबई पुलिस अब एक ऐसे 2016 के एक ऑडियो की दोबारा पड़ताल कर रही है जिसके आधार पर पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के दौर में कार्रवाई की थी। इस ऑडियो के जरिए दावा किया गया था कि दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ कहे जाने वाले छोटा शकील ने एक बिल्डर को धमकी दी थी।
दरअसल मुंबई पुलिस ने पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह समेत 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में वसूली का मामला दर्ज किया है और इस मामले में शिकायत करने वाले शख्स का नाम श्याम सुंदर अग्रवाल है और श्याम सुंदर अग्रवाल के मुताबिक उसे फर्जी मामले में फंसाया गया और गलत तरीके से मकोका का मामला भी दर्ज किया गया। बता दें श्याम सुंदर अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि उसे और उसके परिवार को धमकी देकर वसूली की गई और जिस ऑडियो के आधार पर 17 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस ने श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था, अब मुंबई पुलिस की ही SIT का गठन कर उसी ऑडियो की सत्यता की पड़ताल कर रही है। वहीं अमरोहा के युवा समाज सेवी प्रणीत गुप्ता ने हसनपुर के रहरा थाना क्षेत्र में बेजुबान जानवरों के मुंह से सदियों से प्रचलन में चलने वाली नुकीली लगाम निकलवाकर जानवरों के मालिकों को सादी लगाम भेज की और निवेदन किया कि सभी इसी तरह की लगामों का प्रयोग करें। प्रणीत ने बताया कि ये नुकीली लगाम सदियों से प्रचलन में है लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए प्रणीत लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों से अपनी कंपनी के जरिए अपील कर रहे हैं कि घोड़ों के लिए सदी से लगाम का प्रयोग किया जाए और सादी लगाम घोड़ों को लगाई जाए। ये हमारे तहसील क्षेत्र में जो इन्होंने सीएल गुप्ता जी ने ये नए लगाम बांटने का कार्य किया है बड़ा सराहनीय है। पुराने जो पद्धति से जो किए जाते थे इनसे पशुओं को के साथ क्रूरता होती थी, उससे निजात दिलाने के लिए ये स्मूथ टाइप के जो लगाम हैं इन्होंने दिए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। और हम यहाँ लोग यहाँ आए पशु चिकित्सा अधिकारी गंगेश्वरी के साथ, किसी को पशुओं के घोड़ों में बीमारी से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो इनसे संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, 24 घंटे हम उपलब्ध हैं अपने हेडक्वार्टर पर। और हम इनको शुभकामना देते हैं कि इनकी ये गुप्ता जी को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे क्षेत्र के घोड़ों में इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। आज हम हसनपुर के अंदर ये द्रोण पब्लिक स्कूल मटीपुरा के पास आके हमने घोड़ों के जो कांटेदार लगामें होती हैं उनको लेके डॉक्टर साहब की सहायता से हमने उन लगामों को आज लिया है और बदले में हमने निःशुल्क लगामें वितरित करी हैं जो कि एक चिकनी लगामें होती हैं और जिनसे घोड़ों को कोई दिक्कत नहीं होती। और मेरा सभी अश्वपालक से अनुरोध है और सभी ऐसी संस्थाओं से अनुरोध है जो कि एनिमल वेलफेयर में जानवरों को बचाने के लिए जो कार्य करती हैं कि आप लोग आगे आएं और अश्व के प्रति अपना प्रेम जताएं और इन लगामों को रोकने में हमारी सहायता करें। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM समाजवादी पार्टी की आंधी में हर पतवार की तरह उड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रखी है और इसीलिए वो चाहती है कि कोई ओवैसी और कोई आजाद या बसपा मुसलमानों को खड़ा करे और उनके वोट बांट दिए जाए, लेकिन जनता अब होशियार हो गई है। महाराष्ट्र प्रदेश के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने संगठन की बैठक के बाद कहा कि अखिलेश यादव युवा नेता हैं और अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करते हैं तो उत्तर प्रदेश का न सिर्फ विकास होगा बल्कि विश्व स्तरीय पर विकास होगा। साथ ही कांग्रेस के बारे में अबू आजमी ने कहा कि कांग्रेस में टूट फूट हो रही है, इसीलिए पार्टी को संभलने की जरूरत है और उसे एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो देश की स्थिति जानता हो। वहीं किसानों की बात करें और वो अच्छी हिंदी बोल सकता है तो बता दें अबू आजमी ने हमला बोला है बीजेपी सरकार पर और सपा सरकार पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा की तरफ से कहा है कि अखिलेश यादव एक युवा नेता हैं और अगर वो विधानसभा चुनाव में जीत पाएंगे तो विश्व स्तर पर प्रदेश का विकास होगा क्योंकि बीजेपी के राज में प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में टूट और फूट हो रही है, इसीलिए पार्टी को संभालने की जरूरत है और एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो देश की स्थिति जानता हो। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे तमाम पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और सियासत भी काफी तेज होती नजर आ रही है, इसीलिए अबू आजमी की तरफ से ये तमाम बयान दिए गए पार्टियों को लेकर जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला।
वहीं मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में दान घाटी मंदिर में एक महिला कुछ जहरीले पदार्थ सेवन किए हुए चेत अवस्था में मंदिर कर्मचारियों को दिखी, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने महिला का प्राथमिक उपचार किया और महिला की स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया। बता दें जहरीला पदार्थ खाने वाली महिला की पहचान सोनम पत्नी मोहर सिंह निवास नीम गांव बताया जा रहा है, जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने मायके भरतपुर से जीत गई थी और जहां उसने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया और उसके बाद गोवर्धन के धान घाटी मंदिर में स्थानीय मंदिर में कर्मचारियों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर महिला के परिजन भी पहुंच गए और महिला को इलाज के लिए मथुरा ले गए, साथ ही जहां महिला का इलाज चल रहा है। तो बता दें मथुरा की ये पूरी घटना है जहां पर मंदिर परिसर में एक महिला जहरीला पदार्थ खाए हुए अचेत अवस्था में मिली, जिसके बाद मंदिर के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद महिला को सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि इसकी स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल में महिला को रेफर कर दिया गया है। जी अभी लगभग 10:15 के आसपास एक महिला लाई गई थी और 24 वर्षीय महिला थी, लगभग 24 वर्षीय उनकी उम्र थी और नीम गांव की निवासी थी। तो इनको ये बताया गया था कि इन्होंने कुछ तरल पदार्थ ले लिया है, उसके संबंध में डॉक्टर साहब ने उनका चेकअप वगैरह किया, थोड़ा सा वोमिटिंग वगैरह उन्होंने किया वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने एक संभावना जताई है कि कोई ऐसे ही तरल पदार्थ इन्होंने ले लिया है जो कि उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने संदर्भित कर दिया था जिला अस्पताल मथुरा, जिसके तहत इनको जिला अस्पताल मथुरा के लिए संदर्भित किया गया, पर उनके जो साथ में आए हैं अटेंडेंट वो चाह रहे हैं कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया जाए। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आने के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मोड में नजर आने लगी हैं। कहीं ब्राह्मणों को लुभाने का काम पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है तो कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वहीं कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में आज BSP ने 4 कदम आगे चलते हुए अभी से विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है और इन प्रत्याशियों को BSP कार्यकर्ताओं के सामने लाकर उनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील कार्यकर्ताओं से की जा रही है। और इसी के चलते बता दें BSP के मुख्य सेक्टर प्रभारी ने कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा से BSP प्रत्याशी की घोषणा कर दी और BSP ने औरैया निवासी पूर्व विधायक रामजी शुक्ला के भाई लालजी शुक्ला को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं आज कार्यकर्ता सम्मेलन में वरिष्ठ BSP नेताओं की मौजूदगी में मुख्य सेक्टर प्रभारी नौशाद अली ने इसकी घोषणा की है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजर पास आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और ऐसे में BSP ने अब चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है और प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। देखिए, देश आजाद होने के बाद लंबे पीरियड सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रही और दोनों सरकारों को जनता ने देखा और देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं। अभी आप लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव देखे हैं, पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी हुई लेकिन बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, चारों शासन काल में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर सरकार चली। कोई समाज का बच्चा ये, किसी समाज का बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हमें मान सम्मान नहीं मिला। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी, तब आपने देखा जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए, पूरे प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हुआ। बहुत सुखद महसूस कर रहा हूँ। 2017 में भी हमने प्रयास किया था सिकंदरा विधानसभा के लिए, लेकिन मान्या बहन जी की इजाज़त नहीं मिली। उनकी इजाज़त नहीं मिली तो बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे और 2022 के चुनाव में उनका आदेश प्राप्त हुआ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा संकल्प ले रहा हूँ
कि यदि जनता ने मौका दिया तो जनता के विश्वास भी खराब था। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं ने पेगासस जासूसी मामला, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर आज सुबह बैठक की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने के लिए वो एकजुट होकर साझा रणनीति पर काम करेंगे। राहुल गांधी के न्योते पर कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता बैठक में, बता दें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नाश्ते पर मिले थे। हालांकि इसमें आमंत्रित पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भाग नहीं लिया। बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और कई सांसद, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव, शिवसेना नेता संजय राउत, आरजेडी के मनोज झा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल समेत 15 दलों के नेता शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि आप लोगों को आमंत्रित करने का एकमात्र मकसद था कि हमें एकजुट होना चाहिए, जीतना है। जितना भी ये आवाज एकजुट होकर उतनी ही शक्तिशाली होगी और बीजेपी और आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें एकजुटता की बुनियाद को याद रखना चाहिए। वहीं सूत्रों का कहना है कि नाश्ते पर हुई इस बैठक में कुल 17 पार्टियों को न्योता दिया गया था, लेकिन बसपा और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद राहुल गांधी और कई विपक्षी नेता महंगाई का विरोध करते हुए साइकिल से संसद पहुंचे थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका करार दिया और इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। बता दें, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने ईवीएम पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन उनके पास ईवीएम को लेकर कोई खास जानकारी तक मौजूद नहीं है। आने वाले चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि दुनिया के कई देशों में ईवीएम की जगह एक बार फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होने शुरू हो गए हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन देशों ने ईवीएम की शुरुआत भी की थी वो भी वापस बैलेट पेपर पर आ गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारे देश में कई दलों के राजनेताओं को भी ईवीएम पर विश्वास नहीं है और सिर्फ केंद्रीय चुनाव आयोग को ही है। ऐसे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपके पास ऐसे क्या आधार हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम के इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया है। तो बता दें, ईवीएम पर सवाल उठाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका पर साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये बेबुनियादी याचिका दाखिल की गई थी और याचिकाकर्ता को ईवीएम के बारे में कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि आगे आने वाले चुनावों को ईवीएम नहीं बैलेट पेपर के जरिए कराना चाहिए और इसी को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और उसके बाद याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में नगला पद्मा से एक घर में खाना बनाते समय तेज आवाज के साथ एलपीजी सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से घर में मौजूद मां बेटे पूरी तरह से घायल हो गए। वहीं दोनों घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सिलेंडर फटने से जोरदार धमाके से मकान की छत और दीवार गिर गई थी, जिसके वजह से ही पूरी घटना हो गई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, खाना बनाते समय ये हादसा हुआ। दरअसल एलपीजी सिलेंडर फट गया और जिससे ये हादसा हो गया और इस पूरे हादसे में माँ बेटे बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाना बनाते समय ये हादसा हुआ है और सिलेंडर फटने की वजह से घर की छत और दीवार गिर गई थी। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना
भीषण ये हादसा है कि सिलेंडर फट जाने की वजह से पूरा घर तहस नहस हो गया और इस पूरे हादसे में मां और बेटे घायल हो गए हैं। आगरा के थाना बहा क्षेत्र में धक्का मुक्की को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दबंगों ने पिता पुत्रों की सरेआम लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया और पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और दबंगों ने पिता और बेटे की जमकर पिटाई की और वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से पिता और एक बेटे को दबंगों के द्वारा लाठी डंडों से पीटा जा रहा है और बुरी तरह से उन्हें पीटा गया, जिसके बाद इलाज के लिए दोनों पिता और बेटे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चित्रकूट के कोबरा गांव में बीती शाम हनुमानगंज निवासी एनपी सिंह का बेटा साधव अपने भाइयों और कुछ ग्रामीणों के साथ कोबरा नदी स्थित डैम में मछली पकड़ने गया था। वहीं मछली पकड़ते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और डैम के नीचे तेज बहाव नदी में गिरने से डूबकर युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बता दें, युवक मछली पकड़ने के लिए डैम गया था और नदी में तेज बहाव होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और युवक नदी में डूब गया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बरामद कर लिया है। सर, पानी में खड़े थे मच्छर मारने के लिए मछली, फिर जो फायर उसका वैसा नहीं कैसे हो गया, एक आदमी आगे गिरा फिर पीछे से हो भी गया, फिर दो तीन बार ऊपर हाथ दिखाया, हाथ दिखाने के बाद एक आदमी घूर गया उसके पीछे, वो भी एक बार उठाया उठा नहीं पाया, फिर वो गिर गया था, फिर उठा नहीं, फिर पता ही नहीं था। घटना कल शाम की है, एनपी सिंह पुत्र साधु मछली पकड़ने गया था, पैर फिसल गया, उसमें डूब गया। जिसकी सूचना मिली थी उस पर थाना रेगुरा पूरी टीम गांव के सहयोग से नदी में उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वही हरदोई में फिर एक बार दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जहां पर अज्ञात युवक ने मासूम की रेप के बाद हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। आपको बता दें कि शव मिलने से एक दिन पहले ही मासूम गायब हुई थी, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस मासूम की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने मासूम का शव खेत में पाया, साथ ही पुलिस ने शव पर गंभीर चोट के निशान भी पाए हैं। बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोषी की तलाश भी शुरू कर दी है। बता दें, मासूम घर से एक दिन पहले ही गायब हुई थी और उसके ही एक दिन बाद मासूम का शव बरामद हुआ है और आरोप लगाया जा रहा है कि मासूम के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद हत्या कर मासूम के शव को एक खेत में फेंक दिया गया। हमारे चाचा की लड़की थी, वो नारी खोटने गई थी, वहाँ से आई घर गई नहीं, तो हम लोगों ने कल ढूंढा, आज भी ढूंढा, नहीं मिली। फिर पुलिस को इत्तला किया, पुलिस आई, पुलिस वालों को बताया कि नारी खोटने आई थी, वो पन्नी में नारी थी, वो मेड़ पे रखी थी, नारी देख के फिर पुलिस वालों ने फ़ोटो खींच के गन्ने के पास आए, फिर हम लोगों को बुलाया गाँव से, बोले गन्ना ढूँढो, गन्ने में मिलेगी। तो हम भी 25 आदमी गन्ने में घुसे, गन्ने में ढूंढा तो गन्ने में मिली, कपड़े तन पे थे नहीं। अभी यहाँ ग्राम मरई के एक गन्ने के खेत में एक 8 वर्षीय बालिका का शव मिला है। बालिका के परिजन भी यहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा कुछ शंका जाहिर की गई है। जो तथाकथित आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है, हमारे द्वारा एसओजी टीम द्वारा पूछताछ भी चल रही है, फोरेंसिक टीम द्वारा यहाँ पर हम लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किए हैं अच्छी तरीके से। इस प्रकरण में हम शीघ्र ही वस्तुस्थिति का खुलासा करेंगे और जो भी दोषी होगा वो बख्शा।
वहीं यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा के बेहद ही पॉश इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। बता दें दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने फरार बदमाश को पकड़ने के लिए सभी बॉर्डर्स पर नाकाबंदी भी शुरू कर दी है। तो नोएडा की पूरी घटना है जहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया है और साथ ही उसका एक साथी बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसके पकड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही थी और सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने नाकाबंदी भी कर दी है ताकि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए। देखिए अभी सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में ACP2 और SO24 की टीम रूटीन चेकिंग में थी। अभी एक गाड़ी पैशन बिना नंबर प्लेट की इधर से क्रॉस कर रही थी, तो इन लोगों ने रुकने का प्रयास किया। एक गाड़ी रुकी नहीं, उस पर दो आदमी सवार थे, ये दोनों भागे और हम लोग जहाँ पे हैं ये दोनों तरफ बड़े बड़े चौराहे हैं जहाँ हमारी रूटीन चेकिंग होती थी, इनको अलर्ट किया गया। इन लोगों ने दोनों तरफ से घेराबंदी की, ये यहाँ पर घिर गए और इन लोगों ने पुलिस पार्टी जो थी हमारी उसके ऊपर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई है, उसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ और जो दूसरा था वो इस बाइक के पीछे चल रही एक डीएल नंबर की वाइट कलर की कार थी, उसमें वो तत्काल सवार होकर के और यहाँ से भाग गया। इसकी चेकिंग की जा रही है, हम लोगों ने फ्लैश किया है और हमने अपने दिल्ली के काउंटर पार्ट को भी बताया है। हम लोगों ने इसको तत्काल यहाँ से अस्पताल भिजवाया। पूछताछ में इसने अपना नाम शाहरुख बताया है, शाहरुख चना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।